हाँ मगर दोस्तों मुझे लगता है यार तीन लड़कियां होना बोझ है। कई बार ऐसा रियलाइज किया गया है कि एक लड़का तो होना था, एक लड़का लड़की तो देना चाहिए था आखिरी में। कम से कम लड़की आपको दो बार कॉल करके पूछो कि पापा आपने खाना खाया, मुझे आंसू अभी आते हैं क्योंकि लड़कियां बहुत प्यारी होती हैं दोस्तों, लड़के नहीं होते हैं, मुझे नहीं लगता लड़के होते। किसी ने डिलीट भी कर दिया कि हमें दे दीजिए एक बेटी, हमें औलाद नहीं है, मतलब जिसको नहीं है वो, मेरे को रोना आ गया ऐसे मैसेज पढ़ के। हेलो, बस पकड़ो 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 उसके हाथ से पकड़ो। हाँ हेलो, पापा पापा बोल रहे हैं, पापा बोल रहे हैं। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, और डिस्चार्ज होने के बाद फिर धूप दिखाने आए बच्चों को। आज धूप थोड़ी सी अच्छी है और अभी आपने देखा कैसे फ्लाइट ने टेक ऑफ किया हमारी बिल्डिंग से जस्ट दिखती हुई। गुड मॉर्निंग, और निकलते हैं ऑफिस के लिए। अब आज भी दोपहर में नहीं आऊंगा क्योंकि काम है, नींद नहीं आ रही है। हाँ, बुक लेके आएंगे पापा, रोज रोज बुक नहीं लेके आएंगे यार इसको बुक का क्या पता क्या दूर है। तो आज भी ऑफिस से घर नहीं आऊंगा क्योंकि नींद है नहीं, तो काम कर लेते हैं क्योंकि अब हमको कहीं और निकलना है। कहाँ निकलना है वो बता देगी रचना, दीदी जा रही है तो उनको छोड़ने जाना है। चलो रचना ध्यान रखना अपना, निकल रहे हैं और ब्लॉग बना लेना कुछ, है ना, थोड़ी हिम्मत करके। चक्कर वक्कर आने लगे आजकल, सिर्फ दरवाजे बंद रखो, कोई चक्कर नहीं आया कहीं से भी। चलो दोस्तों तो मिलते हैं आपसे दोपहर में, कुछ अच्छा होता है तो। आज मंगलवार है तो हनुमान जी के चरणों में आए थे कि सब स्वस्थ रहें तीनों बालिका, तो उनको चोला चढ़ाने के लिए हमने आवेदन दे दिया है क्योंकि बहुत बैटिंग चलती है। तो अगला मंगलवार के दिन चोला चढ़ जाएगा और जो भी दान है हमने कर दिया है। तो हनुमान जी सबको स्वस्थ रखेंगे क्योंकि सबसे संकट मोचन है कलयुग में और सबके कर्ता धर्ता हैं। तो पंडित जी बहुत खुश हुए थे और बहुत आशीर्वाद दिए हमने, बहुत खुश हुए वो। गुप्ता जी के साथ हम कहीं और घूमने जा रहे हैं। गुप्ता जी कहाँ जा रहे हैं हमें बताते हैं। गुप्ता जी को मिठाई भी नहीं खिलाई क्योंकि हमारे कुछ सब्सक्राइबर कह रहे थे हमने गुप्ता जी को मिठाई खिलाई नहीं। मिठाई गुप्ता जी गायब थे उस दिन, ये नहीं बता रहा कोई। मिठाई तो खा लेंगे, आज मिठाई खिला के लाते। चलो तो गुप्ता जी के लिए खास कर देखो शिकंजी मंगा रहे हैं सराफे की, हालांकि नागौरी की बंद हो गई, नहीं नागौरी की खिलाते और अच्छा था। ये सराफा गुप्ता जी को खिलाने लाए स्पेशल हम शिकंजी। गुप्ता जी अब तो कोई शिकायत नहीं, अब तो कोई शिकायत नहीं है, दे रहा है दुरुस्त है। ये लो साहब गुप्ता जी ऐसे आशीर्वाद बनाए रखें। तो दोस्तों शिकंजी खा के फिर मिलते हैं, आप भी कभी आओ तो सराफे में यहाँ पे जरूर खाना आएंगे। लड्डू लाओ लड्डू लाओ, तो यहाँ ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन मिलते हैं बने बनाए लड्डू अग्रवाल स्वीट्स पे जो कि सराफा में। तो इसको गोंद के लड्डू हैं, आटे और गोंद के, गुड़ के, ड्राई फ्रूट्स के। लो ओपन करो, इनको कहते हैं जापे के लड्डू कहते हैं, बन रहे हैं मगर अभी 250 ग्राम ले आए, अभी 3 दिन में खा लो। ऐसी एनर्जी आया कि तुम ब्लू व्हेल को पछाड़ दो, दो तो ट्रक को हाथ में लेके घूमो। लोग कह रहे हैं कमजोरी आ गई, कमजोरी आ गई। ये है गोंद के, वहां पर 6 लड्डू आए 300 रुपए, दो दिन चल जाए। खा लो, एक खिला दो इसको, मगर अभी मत खा बेटा, खांसी चलेगी ना, मीठा भी तो है। सुबह खाना है ठीक है, नहीं खाना है खा ले, खाने जैसे ही है, मतलब कह रहे गोंद के लड्डू तो आम आदमी भी खा सकता है। खा लेना कोई नहीं, दो दिन खा ले, एक सुबह एक शाम खा ले, ऐसा कर ले। गीत खाना है क्या बेटा, वेस्टर्न का है वैसे गोंद वाले लड्डू, ये फिर जो वो वाले हैं सिर्फ नाम के गोंद है, नहीं गोंद तो है। क्योंकि अग्रवाल जो है ना थोड़ा महंगा देता है मगर नाम है इसका सराफा में। तो मैं इसलिए 250 ग्राम लाया कि पहले टेस्ट कर लो, नहीं तो क्या होगा कि इससे बन ही रहे ना, 2 दिन में खत्म हो जाए। चलो रचना के लिए बना दिया फ्राई दलिया क्योंकि वो दूध के साथ खा खा के बोर हो गई है सब्जी के साथ, तो ये थोड़ा खा लेगी। इसमें हल्दी भी डाली है क्योंकि जिससे पीलिया ना हो बच्चों को, है ना, उम्मीद है नमक वगैरह सही हो। खाना बेटा आपको, मौसी ने खिला दी आपको रोटी। हाँ गीत खा चुकी रोटी, नहीं देंगे नमक ज्यादा,
तो दोस्तों आप लोग सब पूछ रहे हो कि डॉल्फिन हॉस्पिटल कैसा है, बच्चों के लिए बहुत फेमस है डॉल्फिन और कोरल हॉस्पिटल इंदौर का स्पेशली। हमारा जो एक्सपीरियंस रहा उतना अच्छा तो नहीं रहा, मैं उसको 5 में से 2.5 स्टार ही दूंगा, क्योंकि क्लीनिंग बिल्कुल नहीं थी, हर जगह गंदगी थी, खासकर वेटिंग एरिया। वो वीडियो आप चाहो तो मैंने हल्का सा डाला है, और नहीं भी होगा तो यहाँ डाल दूंगा बैकग्राउंड में, तो देखना बहुत गंदगी है, लग ही नहीं रहा है कि बच्चों का हॉस्पिटल है, खासकर उस फ्लोर पे पाई नहीं यार, जो हाइजीन होना चाहिए खासकर बच्चे जहाँ रहते हैं, तो मुझे तो अच्छा नहीं लगा वो, है ना। सिर्फ पैसों के लिए आपको बार बार कॉल आएगा कि पैसे जमा कर दो, 2 दिन हो गए, 48 आवर्स हो गए, आपने जो 40,000 जमा किए थे वो, क्योंकि एक बच्चे के 20,000 के हिसाब से NICU के हिसाब से जो फीस थी उस हिसाब से बता रहा हूँ, तो 40,000 जमा कर दिए, वो खत्म हो गए, आप 40 और जमा करो ऐसा, क्योंकि आप लोग पूछ रहे हो उसके अंदाजा के लिए, मैं 48 आवर्स से भी कम रहे बच्चे वहाँ पे, तो वहाँ पे हमारे करीबन 60,000 लगे। हाँ मगर दोस्तों मुझे लगता है यार 3 लड़कियां होना बोझ है यार, सब मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे कई लोग रियलाइज करा रहे हैं, बार बार मुझे कह रहे हैं मेरे रिश्तेदार, मेरे कलीग्स, मेरे ऑफिस वाले, और जो भी मिल रहा है वो यही कहला रहा है कि बेटा 3 लड़कियां हो गई, वो भी एडमिट हो गई, अभी डिलीवरी में 70-80 हजार लगाए, फिर 60 हजार। मानो जी को पहले से पता थी ये बात, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया जब डॉक्टर ने हमें कहा ट्विंस है, तो उन्होंने हमें ये भी बताया था कि फीटल रिडक्शन भी हो जाता है, क्योंकि मतलब जितने भी पेरेंट्स या जो भी आते हैं, और अगर उनकी ऑलरेडी एक लड़की होती है और ट्विंस या ट्रिपलेट निकल जाते हैं नेचुरली, तो वो लोग फीटल रिडक्शन करवा देते हैं, ज़्यादातर उन केस में ही होता है फीटल रिडक्शन जिसमें ऑलरेडी एक लड़की है, क्योंकि नेक्स्ट डिलीवरी में हो सकता है दोनों लड़कियां हो सकता है दोनों लड़के हो, या एक लड़का एक लड़की हो, तो लोग चांस नहीं रहते, लोगों को यही डर रहता है कि 2 लड़कियां हो सकती है। तो मालवीय जी ने तब भी ये बोला था कि लोग रचना अगर 3 लड़कियां होगी तो लोग क्या कहेंगे। और आपको मैं बता दूं कि डिलीवरी के बाद जब मैं बेहोश हो गई थी और मुझे थोड़ा थोड़ा होश भी आया था, तो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी पैर को वो स्टेबल रखने में स्टिचेस के टाइम, तो मुझे शायद लोकल एनेस्थीसिया भी दे दिया था, तो मैं थोड़ी और नशे में चली गई थी। तो जब मैं उठी हूँ, मुझे पता तो पहले ही चल गया था लड़कियाँ, तब मेरे मुँह से भी जब मान लीजिए पहली बार मेरे पास आए थे तो मेरे मुँह से यही निकला था, मान लीजिए लोग आपको ताने मारेंगे। मतलब सोचो वहाँ जब नशे में इंसान होता है उसको नहीं पता कि वो एक्चुअली क्या बोल रहा है, क्योंकि मैं 2 ही चीज़ें मैंने बोली थी, एक तो मान लीजिए आपको लोग ताने मारेंगे वो वीडियो इन्होंने मुझे दिखाया, और दूसरी कि पता नहीं डॉक्टर ने नीचे क्या स्टिचेस लगाए, कितने स्टिचेस आए, क्योंकि मैं पहली वाली से डरी हुई थी, तो वो नशे में जो थी मैं उसमें मेरे मुंह से निकला था वो तो वीडियो। लोगों का डर इतना होता है, अगर हमें नहीं चाहिए होता तो हम कंटिन्यू नहीं करते, मैं तो एक में भी खुश थी, पर अगर माता रानी ने दे दिया था तो मुझे पता था 2 लड़कियां हो सकती है, मेरे लिए कुछ नहीं था। घर में तो ऐसा मेरे पापा ने कभी भेदभाव नहीं किया, दीदी जी मतलब मेरे यहाँ से मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ। हाँ शादी के बाद कुछ लोगों के थ्रू हुआ, जैसे पहली प्रेगनेंसी में भी हुआ था, बट मेरे लिए नहीं है तो मुझे इतना नहीं फर्क पड़ता था। पर हाँ लोग माल्य जी को ज्यादा वो हो रहा है क्योंकि ये बाहर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मैं उतना मेरे पास किसी का ऐसा कोई कॉल वॉल भी नहीं आया, 1-2 लोगों के आए हैं, बाकी मेरी जो फ्रेंड्स हैं सब ये बोल रही बहुत लक्की हो कि 3 लड़कियां जिसे आप लोग कह रहे हैं कि नसीब वालों को ही मिलता है, तो मेरे लिए तो मैं ऐसा क्या हुआ माल्य जी, आपने मुझे उस दिन भी आप कह रहे थे जिस दिन डिलीवरी थी उस दिन भी कह रहे थे, मतलब 1 घंटा ही हुआ था और आप कह रहे थे यार मैं नीचे गया और लोगों ने ये बोला, क्या हुआ था? मैं बताता हूँ, गीत जाओ खेलो आप। तो हम चाह रहे थे कोरोना में हमने जो फील किया कि यार कम से कम किसी गीत का एक भाई या एक बहन तो होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है जब बच्चे कुछ बातें हैं जो पेरेंट्स शेयर नहीं कर पाते हैं, अगर सिंगल चाइल्ड होता ना तो कुछ बातें होती जो कॉलेज में स्कूल में हुई होंगी उसके साथ वो मगर पेरेंट के साथ नहीं कर सकता, वो अपने सिबलिंग के साथ शेयर कर सकता है। तो क्योंकि मेरा छोटा भाई है भले वो कैसा हो वो दूर है, मगर जब बहुत मन हल्का करने के लिए हम रोना होता है ना तो बात कह के गाली बक देते हैं या कह लेते हैं तो वो अच्छा लगता है, फिर चाहे रचना की बहन है तो भी देखो आप लगते हो कहीं ना कहीं तो बेनिफिशियल होता है। तो इसलिए हमने कहा कि चलो एक और करते हैं, भले हम मिडिल क्लास हैं, महंगाई इतनी हो गई है, हम एक ही बच्चा पालने के सक्षम हैं, मगर हमने कहा चलो एक और करते हैं, ऊपर वाला समझेगा, ऊपर वाले ने 2 दे दिए, अब हमने चाहे या तो दोनों रखेंगे या दोनों नहीं रखेंगे, चाहे दोनों लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे एक लड़का एक लड़की हो, मगर या तो एक फीटल डिटेक्शन नहीं करेंगे, किसी एक को क्यों जान से मारें, या तो कंटिन्यू करना तो दोनों करेंगे, नहीं तो प्रैक्टिकली दोनों नहीं करेंगे। पर किया लड़कियां आई ठीक है, पर मुझे आवाज़ कब हुआ दोस्तों, पहली बार जब लड़की हुई और मेडिकल पे गया तो खुश होकर पूछते क्या हुआ, मैंने कहा 2 लड़की हुई, अरे यार अरे दोनों लक्ष्मी आई, तो वो अरे यार क्या होता है उसमें, अरे भाई लक्ष्मी आई तो मेरे पास दोनों अब 3 हो गई हैं, तो मैंने उसका रिएक्शन देखना था, अरे यार एक लड़का तो देना चाहिए भगवान, नहीं मैं कोई बात नहीं
अरे लड़की हुई है, कोई बात नहीं, क्या मसला है यार। फिर मेडिकल पे से मैं काउंटर पे आया पैसे देने, तो भैया क्या हुआ, मिठाई खिलाओ, तो मैंने कहा दो लड़की हूँ भाई। हर बार यही था, सबका यही था। वो कहती यार भैया एक लड़का तो देना चाहिए, भगवान ने बहुत जाती करी तेरे साथ। मैंने कहा ठीक है, जो हो गया हो गया, अपन क्या बोलो किसी सियाने को, लड़का तो होना चाहिए। और खुद का लड़का क्या कर रहा है, ध्यान ही नहीं दे रहा उसको, रख ही नहीं रहे। और गार्ड है, तो मैं क्या रहे सच्चा, मेरी लड़कियां जो हैं मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, मगर मुझे बार बार कई बार ऐसा रियलाइज किया गया है कि एक लड़का तो होना था, एक लड़का लड़की तो देना चाहिए था आखिरी में। बोझ नहीं है दोस्तों, लड़कियां बोझ नहीं है, वो जमाना गया। वे उस जमाने में पता नहीं क्यों ऐसा कहते थे लड़कियां, क्योंकि उस समय अपॉर्चुनिटी लड़कियों के लिए नहीं थी उतनी, बाहर जाके जॉब करने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए, या अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे खड़े होने के लिए। मगर नहीं, अब है, अब लड़कियां। और मेरा एक मानना है दोस्तों, अगर बींग फादर मैं सोचूं प्रैक्टिकली कि अगर दो लड़के भी होते हैं ना, तो मुझे उतने ही पैसे कमाने पड़ते हैं उनकी परवरिश करने के लिए। क्यों, स्कूल में उतने ही लगते हैं, उनके कपड़ों में उतने ही लगते हैं, तो फिर क्या फर्क पड़ता है यार। वो दोनों ही लड़के शादी करके जॉब करने पुणे, बेंगलोर, मुंबई या विदेश चले जाते हैं, तो लड़की शादी करके चली जाएगी, इतना ही फर्क है ना। क्या है, कम से कम लड़की आपको दो बार कॉल करके पूछो कि पापा आपने खाना खाया, मुझे आंसू अभी आते हैं, क्योंकि लड़कियां बहुत प्यारी होती हैं दोस्तों, लड़के नहीं होते हैं, मुझे नहीं लगता लड़के होते हैं, मुझे तो बहुत प्यारी होती है, मेरी लड़की इतना प्यार करती है मुझसे, मैं कितनी डांटू, गीत मेरे पास आ जाती खुद से, गीतू मैं बहुत डांटता हूँ उसको, ऐसा नहीं है। तो तीन हो गए हम तो बहुत खुश हैं दोस्तों, बहुत खुश हैं, मतलब हमारे तो पैर जमीन पर नहीं। कुछ लोग होते हैं जिनको पता चलता है तीन लड़कियों में बहुत खुश होते हैं वो, बट सम मोस्टली मुझे लगता है 90% लोगों ने ये कहा है कि एक लड़की तो लड़का तो देना चाहिए था भगवान। अरे क्या उखाड़ लेता है यार कोई, क्या ही उखाड़ लेता है अब कुछ नहीं। मैं पहले मतलब मेरे को वही लगता है कि पहले की औरतें बेचारी कैसे सहती होंगी जब उनको एक या दो लड़कियां, मतलब कितना प्रेशर मेरे को गीत के टाइम पे भी फील हुआ था एक दो लोग होने से पहले ही कि लड़का होना चाहिए। तो मुझे तभी मैंने माता रानी से कहा था, माता रानी अगर आप थोड़ा सा भी आपका आशीर्वाद है माता जी पे तो लड़की हो, तो तब लड़की हो। अभी ऐसा था कि अगर एक लड़का एक लड़की हो जाएगा तो अच्छी बात है, रक्षाबंधन मनाएंगे, पर वैसा नहीं था कि होना ही चाहिए। तो हाँ मेरे को अब फील होता है कि मतलब कैसे बहुओं में भेदभाव हो जाता है, जिसको लड़का होता है उसकी सुनी जाती है या उसको प्रेफरेंस, मतलब आज बहुत हद तक जमाना बदल गया, लेकिन गाँव वगैरह या कुछ शहरों में भी कुछ लोगों की मेंटेलिटी थोड़ी सी वैसी बनी हुई है। उम्मीद है धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगी, बट हाँ सहना सुनने में बुरा लगता है कि मतलब आपको ऐसे इस उस पे जज किया जा रहा है, इस उस पे कंपेयर करके आपको, आपके लिए कोई रिचुअल नहीं कुछ नहीं, सिर्फ इस बेसिस पे कि आपकी लड़की हुई। थोड़ा सा ठीक है इतना नहीं, लेकिन मैं तो बोल रही हूँ ना, मैंने मेंटली अपने आपको बहुत प्रिपेयर करा, मालवीय जी को थोड़ा झटका लग रहा है। तो दोस्तों प्लीज ऐसा मत सोचो लड़कियां बोझ हैं, मुझे बार बार ऐसा मत दिलाओ किसी की हो गई है, हो सकता है वो उतना अच्छा फील नहीं कर रहा जितना हम कर पा रहे हैं। समटाइम ऐसा होता है ना कि तो वो समाज के दबाव में लोग क्या कहेंगे उस दबाव में, यही है कि लोग क्या कहेंगे, जो मुझे भी अपने ऊपर फील हुआ दबाव कि लोग ताने मारेंगे, वो डर तो लोग कौन होते हैं, डर अब हट गया, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड में था तभी एनेस्थीसिया के उसमें मैंने बोल दिया था। अभी देखो डर तो है, जब लोग कहेंगे तीन लड़कियां बाप रे बहुत हिम्मत वाले होते, मैंने क्या हिम्मत दिखाई, वो तो ऊपर वाले ने दी है, मैंने तो पालूंगा तो हिम्मत वाला कहलाऊंगा, मैंने कौन सी फांसी लगा ली सुनते से कि तीन लड़कियां हो गई, है ना, ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि बहुत फक्र करना चाहिए और गर्व करना चाहिए। इस बार मैं बहुत ही वो रहूंगी, हमेशा तो मैं ठीक है लेट इट भी करती थी, लेकिन नहीं इस बार अगर मेरी बेटियों के वजह से कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है या मुझे कंपेयर करके नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर इस बार मैं दूरी बना लूंगी। मैं कभी किसी को जवाब नहीं देती, मैं खुद ही दूरी बना देती हूँ, मुझे लगा पंजा मार लूंगी ऐसे नहीं करके। मैं फिर लोगों से बात नहीं करती, ठीक है, अगर जिन्होंने अभी तक फोन नहीं किया है तो मैं अब फोन आएगा तो भी रिसीव नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अगर इस वजह से ऐसा है तो नो कोई दिक्कत नहीं, माता रानी ने हमें काबिल समझा है, हम करेंगे। हाँ बस अब ये कि मैं सोचता हूँ अब आगे हो पाता है कि नहीं, गीत या गाने दोनों बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाएंगे, अपने पैरों पर खड़ा करेंगे, और फिर अब शादियों के चली जाएंगे तो क्या हुआ, हम दोनों एंजॉय कर। अरे अबे मैं पुराने में कोई कहीं नहीं जाता है,
है ना, कोई कर नहीं जाता। सबसे बड़ा एग्जांपल बैठी है आपके दीदी और मैं बैठे हैं आपके साथ। आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, ये ब्लॉग तो हमने एक साल से शुरू किया, मगर पिछले पांच साल जब से मुझे लगता है दहेज में क्या थी, दहेज में सासू माँ आई है मेरे साथ। मैं छोड़ के आ गई थी मम्मी, लेकिन मम्मी नहीं, मम्मी छह महीने में आ गई थी, मतलब सीजोफ्रेनिया हो गया वहाँ उस घर में। तो मैं ये नहीं कह रही कि किसी ने गलत तरीके से उनको रखा, नहीं होता है कम्फर्ट जोन नहीं रह पाया और बाकी के रखने तो हम खुद से ही ले रहे थे। मेरे दहेज में साल में हमने इलाज कराया, फिर लास्ट ईयर दीदी ने कहा थोड़े दिन मेरे यहाँ ले ली, तो अभी दीदी की यहाँ ऐसा क्योंकि प्रेगनेंसी में मम्मी आना चाहेंगी तो मेरे यहाँ हो सकता है, हम अभी नीमच जा रहे हैं तो साथ में जाएंगी, क्योंकि एक साल वहाँ रह ली तो फिर हमारे साथ रह लेंगे, क्योंकि बोर हो जाते हैं वो भी। वो यहाँ इसलिए फ्लैट में चार साल से रह रह के बोर हो गई थी, कहीं नीचे जा नहीं पाते, घूम नहीं पाते, इसलिए वहाँ चली गई थी। पर ये चीज मैंने देखी है अपने से ऊपर जनरेशन वालों की, कि जिन को लड़के हैं वो ये फीलिंग समझ नहीं पाते, ये मुझे बड़ा दुख होता है। क्योंकि जब वो दिल्ली वाला कांड हुआ था ना, तब भी बहुत सभी लोग दुखी हुए थे 2012 में, लेकिन एक दो लोगों को मैंने देखा जिनके घर में सिर्फ लड़के थे, दो या तीन, तो उन वो लोग लड़की में ही दोष निकाल रहे थे। तो वो क्या है, एक मेंटेलिटी औरतों की बन जाती है, ऐसा नहीं कि औरत भी ह्यूमन है, इंसान है, तो कभी आदमी गलत हो सकता है, कभी औरत गलत हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। पर जिनके घर में लड़कियां नहीं होती ना, वो अलग, उनकी मेंटेलिटी औरतों की अलग ही बन जाती है या पेरेंट्स की अलग, ऐसा मैंने फील किया। इट्स ये डिफरेंट टॉपिक है, पर ठीक है मालवीय जी, मुझे लगता है आपको ऐसा माइंड नहीं, मैं माइंड नहीं करता यार, मगर मुझे बार बार जब से बच्चे हुई हैं दोनों, तब से लेके अभी तक, बड़े एडमिट हुई तो बहुत खर्चा करा दिया तुम्हारी लड़की है, तुम्हें लड़ते तो बड़े हिम्मत वाले हो, दो लड़कियां हुई और इतना खर्च करे, तो मेरे को नहीं यार दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो के माध्यम से अगर वो देखते हो तो नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे उतने ही पैसे कमाने हैं, दो लड़की हो दो लड़के हो, स्कूल में हर चीज़ में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर वाले ने कुछ सोच समझ के दिया हो, कुछ अच्छा सोचा होगा मेरे बारे में यार, तो उसको सोचने दो, तुम क्यों टांग अड़ा रहे हो। तो दोस्तों बैठ के फिर आज बात हो गई, मगर ये टॉपिक ऐसा था जहाँ पे हम बैठ के बात कर सके। हाँ, और कई कमेंट ऐसे आया, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ पा रही अभी मोबाइल के थ्रू, लेकिन किसी ने डिलीट भी कर दिया कि हमें दे दीजिए एक बेटी, हमें औलाद नहीं, मतलब जिसको नहीं है, मेरे को रोना आ गया ऐसे मैसेज पढ़ के, जिसको नहीं उनको लगता है चाहे बेटी हो जाए या बेटा हो जाए, तो ये तो भगवान की देन है यार, इसे प्यार से लो। मगर यार हम पहले दीदी ने भी कहा था दो लड़की हो जाए तो हमें देना, मगर दिल का टुकड़ा कैसे दे सकते हैं यार, ऐसे कहने सुनने में सकते, पहले के लोग दे देते थे या शेयर कर, पता अपन से नहीं होता यार, पता नहीं यार। चलो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखना और सब्सक्राइब नहीं किया तो करना, और बेटा बेटी एक समान है, मैं तो कहूंगा बेटों से बढ़ के बेटियां हैं, नहीं दोनों ह्यूमन है, दोनों को मुझे तो लगता है इक्वल वाली बात है, वैसे तो कहते हैं हम ठीक है, मतलब इक्वली ट्रीट कर लो वही काफी है, बेहतर से तो बहुत ठीक है, प्लीज सपोर्ट कीजिएगा हमें, हमारे चैनल को, हमारी बच्ची को। जय माता दी, जय माता दी।